तो हेलो गाइस, चलिए आज हम आपको बताएंगे SBI का जो SBI PU का एग्ज़ाम होने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस का, उसके बारे में आपको हम फुल डिटेल स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, जिसे फॉलो करके आप SBI का PU का प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरा डिस्कशन करेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको समझ आएगा कि वीडियो को बारीकी से आप समझिएगा, तभी आपको फुल डिटेल स्ट्रेटजी पता पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, SBI PU का जो नोटिफिकेशन है वह आउट हो चुका है, वैकेंसी भी काफ़ी 2000 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी कम है वैकेंसी। इसलिए दोस्तों आपको मेहनत तो भरपूर करनी ही पड़ेगी, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन तो बहुत सारे एग्ज़ाम है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही नामी शामी बैंक है, जिसमें हर बैंकिंग एस्पिरेंट जो है का ड्रीम होता है जॉब लेना, वो भी खासकर PO लेवल का। तो दोस्तों SBI PU में जो कंपटीशन है वह काफ़ी रहने वाला है, इसलिए दोस्तों स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जिसे फॉलो करके आप बहुत ही इस कंपटीशन में भी एग्ज़ाम निकाल सके। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे जो लाल वाला बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहे। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता है कि SBI 2023 का जो एग्ज़ाम होता है वह दो फेज में होगा, प्रीलिम्स में और मेंस में। प्रीलिम्स में दोस्तों आपको जो होगा वह क्वांट जो है वह आपको 35 नंबर का आता है, उसके बाद जो होगा फिर आपको रीजनिंग होगा, रीजनिंग भी आपको 35 नंबर का आएगा, इंग्लिश जो होगा वह भी आपको 30 नंबर का आएगा, तो यानी आपको प्रीलिम्स जो होगा वह 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद दोस्तों आता है मेंस का, मेंस में आपको क्वांट जो है वह 50 नंबर का आएगा, फिर जो रीजनिंग है वह आपको 50 नंबर का आएगा, इंग्लिश भी आपको 40 नंबर का आएगा, और बाकी जो बता GA यानी जनरल अवेयरनेस वह भी आपको 60 नंबर का आएगा, यानी मेंस जो होगा वह आपका 200 मार्क्स का होगा। प्रीलिम्स जो 100 मार्क्स का और मेंस जो होता है वह 200 मार्क्स का होता है। प्रीलिम्स जो होता है दोस्तों वह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जैसे कि मानिए कट ऑफ आपका 60 जाता है, तो आप अगर 60 जाता है तो आपको सिर्फ कट ऑफ पार करना होता है, ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, सिर्फ आपको कट ऑफ पार कर जाना है तो आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर जाइएगा। प्रीलिम्स आपको जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेंस जो होता है वह आपको पास करने का मतलब मेंस में अच्छा नंबर आना चाहिए आपको, क्योंकि मेंस के बाद ही आपका इंटरव्यू होता है, और मेंस में आपको दोस्तों डिस्क्रिप्टिव भी होता है, मेंस में जैसे कि वन ट्रेनिंग इंग्लिश GA का बाद मेन डिस्क्रिप्टिव भी होता है 50 नंबर का, वह आपको मेंस में होता है, और मेंस में आपको अच्छा नंबर स्कोर करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों बात करें हम वैकेंसी की, SBI PU 2023 का जो दोस्तों वैकेंसी निकला है वह आपको टोटल 2000 वैकेंसी है, यानी 2000 वैकेंसी है। इसका मतलब दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि कंपटीशन जो है दोस्तों इस बार बहुत हाई होने वाला है, इसलिए दोस्तों मेहनत जोर लगा कर कीजिएगा, ताकि तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों SBI का सपना हर सब बहुत ही देखते हैं, लेकिन जो सफलता पाते हैं वह सिर्फ 2000 स्टूडेंट को मिलेगा सफलता, और सपना देखने से कुछ नहीं होगा, दोस्तों मेहनत कीजिएगा तभी आपको मिल पाएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें जो होता है सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, मतलब आपको कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं आपको कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ आपको देना है, जैसे कि आपको मैथ में अगर कम भी आया है, अगर आप रीजनिंग में भी बढ़िया ले आए हैं, तो आपको ओवरऑल कट ऑफ से पार करना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि आप सिर्फ मैथ में या रीजनिंग में या इंग्लिश में स्पेशली आप उसमें ज़्यादा नंबर लाइए, आपको सिर्फ ओवरऑल जो है आपका कट ऑफ पार करना होगा, दोनों में होगा आपको, यहाँ सेक्शनल कट ऑफ जो है वह किसी में नहीं है, ना ही प्रीलिम्स में है ना ही मेंस में है, इसलिए दोस्तों आपको सभी को मिला के चलना पड़ेगा, जिससे कि आपका ओवरऑल कट ऑफ हो जाए। यही आपको SBI में दोस्तों खासियत मिल जाता है कि आपको कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बाकी आपको अदर एग्जाम में आपको बहुत सेक्शनल कट ऑफ रहता है। SBI PU के एग्जाम में आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, ना ही प्रीलिम्स में होगा ना ही मेंस में होगा, यह आपका काफ़ी प्लस पॉइंट मिल जाता है सभी स्टूडेंट्स को। उसके बाद दोस्तों आता है आपको हम आप बताएंगे प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ का जो एनालिसिस है, क्या किस साल कौन कौन सा कट ऑफ गया है, चलिए वो आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपको 2022 यानी पिछले ही साल का, जो हम बात करते हैं पिछला साल में आपको जनरल का जो कट ऑफ है वह गया था 59.5, जनरल का जो कास्ट होता है उसमें आपको कट ऑफ गया था 59.5, वही आपको OBC का जो था वह 52.25, आपको 58.25 आपका कट ऑफ गया था, ये हो गया 2022 का। फिर 2022 से भी एक साल अगर हम पीछे जाए
तो 2021 का उसमें आपको जनरल में कट ऑफ आया था 63। वही आपको हम बात करें ओबीसी का 2021 में जो कट ऑफ गया था वो आ गया था 69.25। वही बात करते हैं फिर 2021 से भी एक साल पहले हम चल जाते हैं 2020 में, तो 2020 में आपका जो जनरल का कट ऑफ गया था वो आ गया था 58.5। वही ओबीसी का बात करें तो 2020 में जो कट ऑफ गया था वो आ गया था 56। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं कट ऑफ में कोई खास अंतर नहीं आ रहा है, 2 से 4 नंबर का कट ऑफ आ रहा है। हो सकता है इस बार जो 2023 में है कट ऑफ हल्का और बढ़ जाए, इसलिए दोस्तों आपका कट ऑफ स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप कट ऑफ आराम से पार कर जाए। चलिए अब हमको अब बताते हैं एकदम फुल एनर्जेटिक स्ट्रेटजी जिसे फॉलो करके आपका इंडेक्स। सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों, सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी होगा वह आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो होते हैं वह सोचते हैं SBI PO का एग्ज़ाम है, काफ़ी टफ लेवल का एग्ज़ाम होगा। दोस्तों एग्ज़ाम तो टफ लेवल का होता ही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेसिक छोड़ के एकदम हार्ड लेवल पर कूद पड़े। इसलिए दोस्तों आपको बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जिससे कि आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद दोस्तों आपको बेसिक के लिए क्या करना होगा, 30 to 38 डेज यदि पुराने स्टूडेंट का कवर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, जिनका कवर नहीं क्या हुआ है वह रिकॉर्डेड लेक्चर देखें 30 से 38 दिन के। उसके बाद जो है वह आपको क्या करना है, स्टार्ट सॉल्विंग इजी क्वेश्चन, आपको एकदम इजी क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है सॉल्विंग करना। इन्हें कि आप एकदम SBI का एग्जाम करें तो एकदम हार्ड लेवल से एग्जाम तक क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दे दोस्तों, इससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, आप डिप्रेशन में जाने लगेंगे। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन ईजी से चालू कीजिए, जैसे ही आप दोस्तों क्वेश्चन ईजी का सॉल्व करना चालू कीजिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ईजी आप सॉल्व कर लीजिएगा देन स्टार्ट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जब ईजी आप सॉल्व कर लीजिएगा तब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यानी थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार में सॉल्व नहीं होगा तो उसको दोस्तों फिर से आप रीअटेम्प्ट दीजिएगा, क्वेश्चन आप रीअटेम्प्ट देते 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 आपको एक बार ऐसा आ जाएगा कि आप उसमें भी अच्छा हो पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आता है आफ्टर दैट सॉल्विंग प्रॉब्लम विथ टाइमर बिकॉज कॉम्पिटिशन इज सो हाई, क्योंकि दोस्तों जब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो क्वेश्चन आपने पहले ही सॉल्व कर रखा है वो जो आपने पहले किया था, उसके बाद दोस्तों जो अभी किया है तो आपको देखना है कि आप उससे ज़्यादा टाइम में कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे आप क्वेश्चन में कोई भी 5 सेकेंड का टाइम लगा लिया, आप देखिए आप 5 सेकेंड में या 10 सेकेंड में 20 सेकेंड जितना आपको हो सकता है उस टाइमर के अनुसार आप क्वेश्चन को कर पाते हैं क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपको टाइम के अनुसार ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ओवरऑल कट ऑफ सॉल्व पार करना है। अगर आपने टाइम के अनुसार नहीं किया तो टाइम फिक्स रहता है और आपका फिर नहीं हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों जब आप टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको एग्जाम के लिए फुल प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि आपने टाइमर के साथ अपना क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो चुका है। अब आप जब मॉक टेस्ट दे दीजिएगा तो मॉक टेस्ट में तो टाइम फिक्स रहता है, उस हिसाब से आपका क्या होगा, टाइमर का जो आपने सॉल्व किया है वह आपको मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस में काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा, जिससे कि आपको क्या होगा जब आप एग्जाम दीजिएगा तब आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। इसलिए दोस्तों मॉक टेस्ट आप देना चालू कर दीजिएगा। मॉक टेस्ट आप जब दीजिएगा तो क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप मानिएगा दोस्तों मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको एग्जाम जैसा फील आएगा, आप एग्जाम जैसा बैठिएगा, उसमें आप 3 घंटा 2 घंटा जितना घंटा एग्जाम होगा उस हिसाब से आप एग्जाम दीजिएगा। इसलिए दोस्तों मॉक टेस्ट जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों मॉक टेस्ट देने के बाद, उसके बाद मॉक टेस्ट जो आपने दिया आपको मॉक टेस्ट में जो कम नंबर आया, उसके बाद जो आपका मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलती हुआ उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, क्योंकि आपको कहाँ गलती हुआ आप एक अलग से डायरी बनाइए, उस डायरी में लिखिए आपका कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुआ, उस गलती को आप एग्ज़ाम से जाने से कम 10 पहले उसको आप रिवाइज कीजिए कि आपका कौन कौन सा पॉइंट वीक है, उस वीक पॉइंट पे आप वर्क कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर उस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको एग्ज़ाम में मानिए अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर कर पाइएगा, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन का थ्योरी जो है दिमाग में रिमेंबर रहेगा कि हम इस क्वेश्चन का जो हमको एक बार हम फंसे थे इस क्वेश्चन में तो हम इस क्वेश्चन को लिखे भी, आप डायरी में लिखिएगा फिर उसको रिवाइज कीजिएगा तो आपको क्या होगा पता चल जाएगा कि हाँ हमको रिकॉल आ जाएगा, तो आप वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको क्या होगा यहाँ काफ़ी मदद मिलेगा। इसलिए दोस्तों मॉक टेस्ट देने के बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। एनालिसिस करने के बाद दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दोस्तों एकदम 100% गारंटी के साथ ही सॉल्व करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन करने से क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वह किस लेवल का आता है, उसके बाद उस हिसाब से आप अपना प्रैक्टिस भी इंप्रूव कर पाइएगा। इसलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम गारंटी के साथ सॉल्व कीजिए, विथ टाइम तो सजेस्ट करेंगे कि टाइमर के साथ सॉल्व कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार होगा कि आप सिर्फ डाटा चेंज होगा और क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको भी ऐसे ही एनालिसिस करना है जैसा कि हमने आपको बताया कि आप मॉक टेस्ट में एनालिसिस कीजिएगा, उसका भी एक डायरी बनाइएगा, डायरी को रिवाइज कीजिएगा, तभी आपको दोस्तों अपने वीक पॉइंट पर काम कर पाइएगा, और वीक पॉइंट पर काम कीजिएगा तभी दोस्तों आप कॉम्पिटिशन में आगे निकल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे सिर्फ तैयारी कर रहे हैं मॉक टेस्ट देना है लेकिन अपने वीक पॉइंट पर काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मॉक टेस्ट देने का तरीका जो हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक पुराने स्टूडेंट होंगे और एक न्यू स्टूडेंट होंगे, जो कि न्यू स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वह अपने मतलब तैयारी के 20 दिन के बाद से आप अपना मॉक टेस्ट रेगुलर देना चालू कीजिए कर दीजिएगा। 20 दिन तक हमने इसलिए नहीं बोला कि 20 दिन तक अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद ही आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, तभी आपको एनालिसिस हो पाएगा कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। और जो ओल्ड स्टूडेंट है वह तो जैसे ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ओल्ड स्टूडेंट, क्योंकि उन लोग का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, वह स्टार्टिंग से ही अपना जो मॉक टेस्ट है वह दे सकते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और जो ओल्ड स्टूडेंट के लिए है वह शुरू से देंगे, और जो पुराने स्टूडेंट और जो नए स्टूडेंट आए हैं वह 20 दिन के बाद से अपना मॉक टेस्ट दीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद आपको जब अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया, मॉक टेस्ट दे लिया, तो दोस्तों आपको क्या होगा, एक आपका मतलब बीम तैयार हो जाएगा जैसे कि बल पे आप उस पे आराम से काम कर सकते हैं। उसके बाद हम एक सजेशन और आप लोग को देना चाहेंगे कि आप दोस्तों प्रीलिम्स का और मेंस का जो प्रिपरेशन, प्रीलिम्स का तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं और मेंस का प्रिपरेशन आप साइड बाय साइड करते रहिएगा, जैसे कि आप 2:3 के रेशियो में आप कीजिएगा मेंस और प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, जिससे कि आपको क्या होगा आगे जाके मदद मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे लीजिए, मानिए प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सेक्शनल कट ऑफ तो होता नहीं है। उसके बाद जो कि मेंस के लिए, उसको प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस के लिए बहुत कम ही टाइम बचेगा, इसलिए दोस्तों प्रीलिम्स और मेंस का तैयारी आप साथ ही कीजिएगा, आपको आगे बहुत ही मदद मिलेगी और आप एग्ज़ाम के कंपटीशन में आगे बढ़ पाइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेरी है, आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है, तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपको कमेंट का गारंटी के साथ देते हैं जवाब ज़रूर देंगे दोस्तों। और वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहिएगा। आपको बैंकिंग रिलेटेड सारे डाउट क्लियर स्ट्रेटजी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपडेट सभी हम इस चैनल पर देते रहेंगे, तो मेक श्योर कर लीजिएगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अलविदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर नए स्टडी के साथ, नया अपडेट के साथ, नया न्यूज़ के साथ, बैंकिंग रिलेटेड आपको बैंकिंग स्टडी की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।